देश में आम बजट पेश होने वाला है और देश के नागरिक इस बजट से कई उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, परंतु आम बजट से ठीक पहले सस्ते लोन के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश के सबसे बड़े करदाता बैंक SBI ने हाल ही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर इसके संकेत भी दिए हैं। SBI ने बीते मंगलवार ब्याज दरों में 0.50% से 1.40% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। ऐसे में 7 फरवरी को पेश होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से सस्ते कर्ज की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी इस तरह के संकेत दे चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ विकास दर भी रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक के पास आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती करने का विकल्प नहीं रहेगा। ध्यान रहे, ब्याज दरें बढ़ने को सीधे तौर पर महंगे कर्ज से जोड़कर देखा जाता है।